स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस के व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड वी आर टेकिंग आर क्लास ऑफ टुडे बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली देखो, दिस इज आर सिलेबस फॉर सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल के व्हाट इज द टाइप या पैटर्न ऑफ द पेपर व्हिच वी आर गिविंग इन आर एग्जाम। तो आर पेपर इन द ऑब्जेक्टिव टाइप, टोटली इट इज इन ऑब्जेक्टिव टाइप। दैट मीन्स वी हैव ऑप्शन एंड वी चूज वन करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द आंसर एंड देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो हेयर। जैसे सपोज 1/4 इज द नेगेटिव मार्किंग, सपोज 1 मार्क्स इज गिवन फॉर करेक्ट आंसर। तो दैट मीन्स कि अगर हमारा रॉन्ग आंसर होता है तो 0.25 वुड बी डिडक्ट फ्रॉम दिस। तो दैट मीन्स वी नीड टू मार्क आर आंसर इन ए वेन वी आर वेरी श्योर के दैट मीन्स आर आंसर इज करेक्ट। वेदर वी आर गेटिंग द नेगेटिव मार्क्स तो दैट मीन्स वी इट विल बी नॉट गुड फॉर अस। ठीक है, और इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है नेगेटिव मार्किंग है। और हमारा जो देखो ये है बिजनेस इकोनॉमिक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जर्नली हम वी आर से कि वट इज इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, किसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स, देर आर नंबर्स ऑफ थिंकर्स और इकोनॉमिक्स हु गिव नंबर्स ऑफ डेफिनेशन, बट एक जो बेस्ट डेफिनेशन या वेरी पॉपुलर है दैट इज ऑफ एडम स्मिथ एंड ही इज ऑल्सो नोन एज एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। जो जितना हम ये इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसके फादर जो है ये क्या बोलते हैं, मिस्टर एडम स्मिथ है। इनकी एक बुक भी है काफ़ी फेमस, 1776 में आई थी, वेल्थ पे ही है। तो उनकी जो डेफिनेशन है बेसिकली इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच डील्स विद वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है जो वेल्थ में डील करता है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली देखो इकोनॉमिक्स का मीनिंग ही है मैनेजमेंट ऑफ मनी, कि हम मनी को किस तरीके से मैनेज करते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स में सारा पैसे का खेल है, इसे कहते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा कि हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन अच्छी नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज टोटली रिलेटेड विद मनी वेल्थ। तो जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच डील्स विद वेल्थ, जो किससे डील करता है, हमारा वेल्थ से। अब देखो नेक्स्ट, वी आर टेकिंग आर सिलेबस। तो देखो वी हैव अ सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो ये सब्जेक्ट है अब हमारा पूरा 100 मार्क्स का है। ठीक, तो इसमें हमारे कंटेंट क्या क्या है। तो फर्स्ट इसमें है कि व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, के बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, और बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक, बेसिक प्रॉब्लम बेसिकली द प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी, व्हाई देयर इज ए प्रॉब्लम अराइज इन इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, क्यों होती है, ड्यू टू हाँ स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज बेसिकली। कि जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है बेसिकली देयर इज ए स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्स। स्केयरसिटी मीन्स यस, कि देर इज ए रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और सेकेंड थिंग क्या है कि ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं। और एक पॉइंट और भी होता है कि रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूज, ऑल्टरनेटिव यूजेस मीन्स नंबर ऑफ यूजेस, कि वी हैव नंबर ऑफ यूजेस इन द ऑफ रिसोर्स। जैसे सपोज अ पीस ऑफ लैंड है, अ पीस ऑफ लैंड कैन बी यूज, कि एक जो पीस ऑफ लैंड है हम उसको यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, ठीक है, फॉर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फॉर हॉस्पिटल, फॉर कॉलेज, फॉर
फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, देर आर नंबर्स ऑफ यूजेस है, तो वही कहलाता है ऑल्टरनेटिव यूजेस. और इफ वी यूज फॉर रिसोर्स फॉर वन पर्पस तो इट इज नॉट अवेलेबल फॉर अनदर पर्पस, कि अगर रिसोर्स को हम एक पर्पस के लिए यूज करते हैं तो वो किसी दूसरे पर्पस के लिए अवेलेबल नहीं होता. जैसे सपोज वो पीस ऑफ लैंड जो है, अगर हम उसको यूज करते हैं फॉर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो इट इज नॉट अवेलेबल फॉर अनदर पर्पस, एंड ड्यू टू दिस रीजन द रिसोर्सेज बिकम मोर स्केयर्स. जो रिसोर्स है हमारे वो क्या होते हैं, ज्यादा स्केयर्स हो जाते हैं, उनकी और कमी हो जाती है. दैट मीन्स ऑल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज बिकम रिसोर्सेज मोर स्केयर्स, कि उससे क्या होता है हमारे रिसोर्स जो है वो बहुत और ज्यादा कम हो जाते हैं. ठीक. फिर रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म. प्राइस मैकेनिज्म होता है कि जब व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, और मार्केट फोर्स कौन से होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई. वेरी गुड. ठीक. नेक्स्ट नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई, तो व्हाट इज डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, कि डिमांड क्या होती है, किसे कहते हैं डिमांड. यस, देखो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी विच कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट पर्टिकुलर प्राइस एंड टाइम. कि डिमांड किसी कॉमोडिटी की वो क्वांटिटी होती है जिसे कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्राइस और टाइम में खरीदने के लिए रेडी रहता है. ठीक है. फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा है जैसे लॉ ऑफ डिमांड है. व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है. देयर इज एन डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. इनवर्स रिलेशन, वेरी गुड. तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड. दैट मीन्स प्राइस राइजेज डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेज, कीपिंग अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट. अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट का क्या मीनिंग है, कि फैक्टर अदर देन द प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, वेदर एंड क्लाइमेट एटसेट्रा रिमेन कॉन्स्टेंट. ओनली द चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, इट इज ऑल्सो नोन एज अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं, जिसको एक आप उसमें सेट्रिस पेरिबस भी लिखा होता है बुक्स में कई बार. ठीक. नेक्स्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी, कि इलास्टिसिटी का क्या मीनिंग होता है. इलास्टिसिटी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी विच हैज द टेंडेंसी टू चेंज, जिसमें क्या है कि उनकी टेंडेंसी है चेंज होने की, वो चेंज होगा. जैसे रबर बैंड है, रबर बैंड क्या है, इलास्टिक है, इट इज चेंजेबल, कि हाँ वो चेंज हो जाएगा. अगर हम उसको खींचेंगे तो वो उसकी शेप बढ़ जाएगी, छोड़ेंगे तो वापसी आ जाएगी. बट जो आयरन रॉड है वो क्या है, इन इलास्टिक है. वो क्या है, इन इलास्टिक के अगर हम उसको पकड़ के खींचेंगे तो वो नहीं खींचेगी, वो शेप सेम रहेगी. ऐसे ही यहां पर है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मीनिंग होता है, कि देयर आर नंबर्स ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी एंड डिमांड चेंजेस. तो वी कैन से डिमांड इज इलास्टिक, और अगर हमने उसको मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड लाइक जैसे प्राइस चेंज हो रहा है, इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज हो रही है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर चेंज हो रहा है, बट इसमें डिमांड में चेंज ना हो तो डिमांड इन इलास्टिक है भाई, और अगर चेंज हो रहा है तो इलास्टिक है. तो हमारे सिलेबस में देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी नीड टू स्टडी थ्री टाइम. पहले आपने सिर्फ वन ही पढ़ा होगा, इलेवेंथ वगैरह में आपने जब किया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि हमारे सिलेबस में इसमें माइक्रो और मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी तीनों आएगी. माइक्रो भी है, मैक्रो भी है और इंडियन इकोनॉमी, यानी कि जो आपने ट्वेल्थ में तीनों पढ़ा है उसका क्लब है इलेवन ट्वेल्थ का सारा, और उससे एडवांस फॉर्म है. जैसे अब डिमांड में आपने थोड़ा पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि भाई सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बट हेयर वी डिस्कस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी.
क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कि डिमांड कितना रिस्पॉन्स करती है टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, कि जब प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी चेंज होता है उसके मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी में फर्क होता है, क्योंकि इलास्टिसिटी में हम प्राइस को भी कह सकते हैं, क्रॉस भी है, इनकम भी है, और भी है, एडवर्टीजमेंट है, बट हमारे सिलेबस में वी हैव ओनली थ्री, प्राइस इलास्टिसिटी, कि इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेक्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक सेकेंड, अब नेक्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन इन डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। जैसे उसमें प्राइस में होता है कि प्राइस चेंज हुआ डिमांड चेंज होगी, तो यहां पर क्या है? इनकम चेंज होगी, तो व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड? तो ये भी कह सकते हैं इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, कि जब इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज होती है तो डिमांड में क्या चेंज आता है, उसे बोलते हैं हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर आता है नेक्स्ट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली, अब इसमें क्या है? प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी एंड डिमांड फॉर अनदर। जैसे आपने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? हाँ, फॉर एग्जाम्पल, यस, ठीक है, और ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार एंड पेट्रोल, वेरी गुड, टी कॉफ टी और शुगर, यस, वेरी गुड। तो कॉम्प्लीमेंट तो इन्हीं में ही होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स में, नेगेटिव होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, ठीक है ना। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ कॉमोडिटी एक्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी वाई। क्या? इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ कॉमोडिटी एक्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी वाई, कि जब कॉमोडिटी वाई के प्राइस में चेंज होता है तो एक्स की डिमांड में क्या चेंज होगा, क्या रिस्पॉन्स करता है। जैसे पेप्सी की कीमत चेंज होगी तो कोक की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये हमारा कहलाएगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हमारा यूटिलिटी आता है, दो तरह की होती है, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल। कार्डिनल होती है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, और ऑर्डिनल यूटिलिटी यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन रैंक्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ, नेक्स्ट इज सप्लाई। अब जैसे डिमांड इज रिलेटेड टू कंज्यूमर, डिमांड इज टोटली रिलेटेड टू कंज्यूमर, और सप्लाई जो है इट इज रिलेटेड टू प्रोड्यूसर और सेलर, ठीक। तो सप्लाई, व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई क्या होती है? तो सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी विच प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू सप्लाई एट पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि सप्लाई क्या है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी विच प्रोड्यूसर और सेलर इज विलिंग टू सेल एट पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि सप्लाई किसी कॉमोडिटी की वो क्वांटिटी होती है जिसे एक सेलर, बेचने वाला या प्रोड्यूसर बना रहा है, जो एक पर्टिकुलर प्राइस और टाइम पीरियड में मार्केट में बेचने के लिए तैयार रहता है, ठीक है ना। तो सप्लाई में भी जैसे क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, टाइम पीरियड, सेम ऐसे डिमांड में भी था, एलिमेंट्स होने चाहिए ये, ऐसे ही सप्लाई में है। फिर फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं,
व्हाट आर द फैक्टर? सबसे पहला फैक्टर क्या है? डिमांड ऑफ कॉमोडिटी, द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द डिमांड, सॉरी अफेक्ट्स द सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटी इज प्राइस. हाउ प्राइस एंड सप्लाई ऑफ ए कॉमोडिटी अफेक्ट, कि प्राइस और सप्लाई कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं? डायरेक्ट रिलेशन. वेरी गुड. तो देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई. प्राइस राइजेज, सप्लाई ऑल्सो राइजेज, प्राइस फॉल्स, सप्लाई ऑल्सो फॉल्स, है ना? फिर ऐसे ही टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ फर्म है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सॉरी और इनपुट्स हैं विच अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द कॉमोडिटी. तो देर आर नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हैं. फिर इसके अंदर द नेक्स्ट टॉपिक इज एक आता है जैसे चेंज इन सप्लाई. पहले है लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई. देन सेम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है. मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी विच ऑल द सेलर और प्रोड्यूसर इन द मार्केट आर रेडी टू सेल और सप्लाई इन द मार्केट. एक मार्केट के अंदर जितने भी सेलर हैं वो किसी कॉमोडिटी के एक पर्टिकुलर प्राइस पे जितनी भी क्वांटिटी बेच रहे हैं उन टोटल को कर देंगे तो वो मार्केट सप्लाई आ जाएगी. जब उस कोई मार्केट के अंदर मोबाइल सेलर बैठे हैं 10 हैं, तो वो 10 सेलर एक दिन के अंदर जितना भी है पूरे महीने में बेच रहे हैं वो उनकी मार्केट सप्लाई होगी. पर्टिकुलर टाइम हमने एक दिन ले सकते हैं, एक महीने में कितनी हुई, पूरे साल में कितनी हुई, ठीक है, एक टाइम पीरियड होता है. नेक्स्ट इज फिर मार्केट इक्विलिब्रियम आता है. मार्केट इक्विलिब्रियम अटेंड वेयर द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई इक्वल, है ना? इस तरीके से थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है. मीनिंग एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. ये हमारे फोर फैक्टर्स, मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है ना? नेक्स्ट इज देर आर टू टाइप्स ऑफ टाइम पीरियड, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. तो व्हाट इज शॉर्ट रन? शॉर्ट रन इज द टाइम पीरियड इन विच द फर्म कैन चेंज ओनली वेरिएबल फैक्टर. शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर फर्म केवल या प्रोडक्शन यूनिट केवल अपने वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर सकती है. इट कैन नॉट बी चेंज ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को नहीं बदल सकती. और लॉन्ग रन इज द टाइम पीरियड इन विच बोथ फर्म कैन चेंज वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर, जिसके अंदर वो दोनों चेंज कर सकती है. यानी कि शॉर्ट रन में देर इज ए डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरिएबल, और इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम जनरली वेरिएबल. कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट देखो, अच्छे से नेक्स्ट इज लॉन्ग रन शॉर्ट रन हो गया. प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बेसिकली इज द कंबाइंड एफर्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, और इन दिस वी डिस्कस एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है. एंड देर आर टू लॉज अकॉर्डिंग टू शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. शॉर्ट रन वी डिस्कस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर भी कहते हैं इसको. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर विच यू स्टडीड एट 11th क्लास. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या था वो देखो. उसमें है ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड विद फिक्स फैक्टर द टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट देन इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट एंड फाइनली एट नेगेटिव रेट, है ना? कि पहले टीपी जो है अगर हम देखें तो बढ़ती दर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर घटती दर यानी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, और नेगेटिव रेट यानी कि टीपी गिरना शुरू हो जाता है. तो टीपी कर्व की शेप ऐसे होती है, अभी करेंगे जब, ठीक है ना? और नेक्स्ट जो सेकेंड लॉ है वो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है.
विच इज एप्लीकेबल इन द लॉन्ग रन। जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है, और इन दिस लॉ ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल। जो लॉ ऑफ, ये हमारा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, केवल हम क्या करते हैं, एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। ज्यादातर जर्नली वी आर इंक्रीजिंग या चेंजिंग किसको करते हैं, लेबर को। तो लेबर बढ़ाते जाते हैं, टीपी पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, और बाद में नेगेटिव रेट यानी टीपी गिरना शुरू हो जाता है। तो एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, और उसके बाद नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन द लॉन्ग रन व्हेन फर्म इंक्रीज ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन सेम प्रोपोर्शन, उनकी जो प्रोपोर्शनेट है वो सेम रहती है। यानी कि अगर सपोज हमारे पास 10 मशीन और 20 लेबर है, तो रेशियो क्या है, 2:1 है, या 1:2 कह सकते हैं, 10 मशीन 20 लेबर, तो 1:2 रेशियो है। तो ये रेशियो सेम रहेगी, अगर हम इंक्रीज करेंगे तो 20 मशीन और 40 लेबर करेंगे, 30 मशीन तो 60 लेबर, तो ये जो रेशियो है बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो सेम रहती है। तो ड्यूरिंग द लॉन्ग रन व्हेन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीजिंग इन द सेम प्रोपोर्शन, द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस सेम ग्रेटर प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन, और मे बी लेसर प्रोपोर्शन। कि पहले क्या होता है, जो टोटल प्रोडक्ट है वो ज्यादा बढ़ेगा। जैसे सपोज हमने जो इनपुट्स बढ़ाए वो 100% डबल कर दिए, आउटपुट हमने, हमारा जो इंक्रीज हुआ वो 100% से भी ज्यादा 120% बढ़ गया, तो वो कहलाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। दूसरा है, जैसे सेम प्रोपोर्शन में होता है, या कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं सेम, कि सपोज वी इंक्रीज द इनपुट्स 100%, आउटपुट इंक्रीजेस सेम 100%, डबल किया आउटपुट भी डबल हो गया, तो वो कहलाता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और तीसरा होता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। इसमें क्या है कि जिस प्रोपोर्शनेट से हम इनपुट्स बढ़ा रहे हैं उससे लेसर प्रोपोर्शन से, लेसर परसेंटेज से आउटपुट बढ़ता है। इनपुट हमने बढ़ाए कितने, 100%, आउटपुट बढ़ा केवल 80%, तो वो कहलाता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। फिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पर आता है, प्रोड्यूसर गेट इक्विलिब्रियम वेयर प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। क्योंकि प्रोड्यूसर जर्नली, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर, क्या होता है उसका ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट अर्निंग, मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब, तो वही जहां पे उसका, जिस आउटपुट लेवल पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम आए, ऑप्टिमम आउटपुट और मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट, आउटपुट सबसे ज्यादा हो और पर यूनिट कॉस्ट मिनिमम हो, तभी फायदा होगा। अगर सपोज आउटपुट तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन अच्छी बात है, बट पर यूनिट कॉस्ट जो एवरेज कॉस्ट आती है वो भी ज्यादा हो गई, तो इट विल बी नॉट बेनिफिशियल। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वेयर आउटपुट इज मैक्सिमम एंड एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है, व्हाट इज कॉस्ट, कॉस्ट क्या है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, शॉर्ट रन लॉन्ग रन कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट होता है बेसिकली, जर्नली हम कहते हैं इट इज द मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड और परचेजिंग और बाइंग या प्रोड्यूसिंग द कॉमोडिटी, है ना, जर्नली हम यही कहते हैं। बट इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में कॉस्ट का वाइड कॉन्सेप्ट है। इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट इज द सम ऑफ, क्या क्या होती है कॉस्ट, देखो जो सम होगी वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का सम होता है। इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट इज द सम ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है, इसके अंदर देखो एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट आएंगी। प्राइस डिटरमिनेशन आएगा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में जैसे कौन कौन सी आएंगी, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट, फिर इम्परफेक्ट फर्दर डिवाइडेड, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, तो ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। प्राइस डिटरमिनेशन आता है दिस मार्केट में, शॉर्ट रन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट एंड आउटपुट प्राइस डिटरमिनेशन। फिर मैक्रो इकोनॉमिक, देखो
अभी जो तब पढ़ रहे थे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स था, अभी थोड़ा फिर हम स्टार्ट भी करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल लेवल पे है और मैक्रो जो है वो लार्ज लेवल पे होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है, तो व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें देखो हमारा आएगा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बेसिकली द टोटल इनकम ऑफ द नेशन, कि पूरे नेशन की जो इनकम होती है उसे नेशनल इनकम कहते हैं। देन डिटरमिनेशन, इसमें हमारा जो आएगा नेक्स्ट देखो डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर, फोर सेक्टर। टू सेक्टर में होता है दो सेक्टर, हाउस होल्ड और फर्म। थ्री सेक्टर में हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। फोर सेक्टर में हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट। देखो टू सेक्टर और थ्री सेक्टर इकोनॉमी इज नोन एज क्लोज्ड इकोनॉमी। टू सेक्टर एंड थ्री सेक्टर इकोनॉमी इज नोन एज क्लोज्ड इकोनॉमी। फोर सेक्टर इकोनॉमी इज नोन एज ओपन इकोनॉमी, क्योंकि उस इकोनॉमी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिकल रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज, तो इसमें हमारा नेशनल इनकम डिटरमिनेशन होता है कि हाउ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइंड इन टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर एंड फोर सेक्टर इकोनॉमी। फिर बिजनेस साइकिल है, व्हाट इज बिजनेस साइकिल, मीनिंग बिजनेस पब्लिक फाइनेंस, जो बेसिकली जो गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड है ये, कि बजट वगैरह है, कि हाउ द गवर्नमेंट मेक्स बजट, टाइप्स बजट कितने तरह के होते हैं। ठीक है ना, और नेक्स्ट हेयर के सेंटर एंड फाइन स्टेट फाइनेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है हमारी, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पूरा एक यूनियन बजट बनता है, विच इज प्रेजेंट फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फैब। कब प्रेजेंट होता है? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फैब। एंड हु प्रेजेंट द बजट इन पार्लियामेंट? फाइनेंस मिनिस्टर। द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बजट इन द पार्लियामेंट। आप देखना पार्लियामेंट, यूनियन बजट जो होता है, स्टेट बजट स्टेट गवर्नमेंट का अपने हर असेंबली में प्रेजेंट होगा, लेकिन जो यूनियन बजट है, जो पूरे देश का एक बजट आता है, जो कब आता है? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फैब, फेब्रुवरी के फर्स्ट वर्किंग डे पे। फर्स्ट डे ऑफ वर्किंग, फर्स्ट फैब नहीं, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फैब, दोनों में फर्क है। फर्स्ट फेब्रुवरी पे छुट्टी होगी तो नहीं प्रेजेंट होगा, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, कोई गस्टेड हॉलीडे आ गई तो तब तो पार्लियामेंट वर्किंग नहीं होगा। तो जिस दिन वर्किंग डे, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फैब को प्रेजेंट होता है, एंड फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट इन द पार्लियामेंट। फिर इसमें देखो गवर्नमेंट के सोर्सेज होते हैं, रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के क्या क्या रेवेन्यू है, क्या क्या एक्सपेंडिचर है, वो सारा डिस्कस करेंगे। ठीक, एक्सपेंडिचर, हाउ द गवर्नमेंट मैनेज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बेसिकली द पॉलिसी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी क्या है? इट इज द रेवेन्यू यानी इनकम और एक्सपेंडिचर पॉलिसी है खर्चे की गवर्नमेंट की। ठीक, तो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे ही रिसीप्ट है, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट। तो इस तरीके से हम सारा डिस्कस करेंगे इसके अंदर आगे क्लासेस में। नेक्स्ट, मनी मार्केट। व्हाट इज मनी मार्केट, मनी डिमांड। मनी मार्केट जो है मेनली जो कंट्रोल करता है सारा सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक इज द सोल मॉनेटरी पावर टू कंट्रोल द मॉनेटरी सिस्टम इन द इकोनॉमी, पूरा उन्हीं के हाथ में। सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे देश के अंदर सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक अलग होता है। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, वेरी गुड, 1935 में प्रेजेंट एस्टेब्लिश हुआ था, यानी इट वॉज एस्टेब्लिश बाय ब्रिटिशर्स उनके, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। दिल्ली में उनका जोनल ऑफिस है, अभी आप जाओ तो दिल्ली में भी है पार्ले, वहां पे पार्ले इधर इंडिया गेट के पास है, जो सेंट्रल दिल्ली पड़ता है वहां पर है। ठीक है ना, तो इस तरीके से तो मॉनेटरी पॉलिसी है, डिमांड फॉर मनी थ्योरीज हैं, जैसे कई नंबर इकोनॉमिक्स है हु गिव थ्योरीज, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ऐसे, ठीक है, पीगू की है कई तरह की, तो जो भी उसको हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू आर सिलेबस। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, बेसिकली हु डज द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी, मनी सप्लाई कौन करता है इकॉनमी में?
सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मनी, क्योंकि कौन बना रहा है, जो करेंसी है कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इंडिया में सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो इशू करता है, वो बनाता है, तो वो है उसके पास सोल पावर टू सप्लाई मनी इन द इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक। क्रिप्टो करेंसी जैसे अब नई कॉन्सेप्ट आ गया है क्रिप्टो का, ठीक है, न्यू टर्मिनोलॉजी है, अदर कई और चीज, जैसे अब प्लास्टिक मनी है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ये प्लास्टिक मनी है, ठीक है ना, ऐसे ही अब नई क्रिप्टो करेंसी आ गई है, नया कॉन्सेप्ट है ये, पहले नहीं था, आज से 10-20 10 साल पहले जाए 15 साल तो क्रिप्टो करेंसी कोई नहीं जानता था, अब आया नया सिस्टम है ना, जिसमें कई सारे हैं बिटकॉइंस वगैरह हैं, ठीक। इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिक्लेयर करता है, हु डिक्लेयर्स द मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक, वेरी गुड, आरबीआई, ठीक है ना। आरबीआई हमारे देश के अंदर अगर जनरली हम बोले इकॉनमी में तो सेंट्रल बैंक आएगा, जैसे अगर हमसे पूछता हु डिक्लेयर्स द मॉनेटरी पॉलिसी, तो द बेस्ट आंसर इज सेंट्रल बैंक, क्योंकि उसने इंडिया के लिए नहीं बोला, सिर्फ उन्होंने सिर्फ एक जनरल इकोनॉमी के लिए बोला है, ठीक है। नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेजर्स हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, इस तरीके से है। फिर इंटरनेशनल ट्रेड है, कि इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली द ट्रेड बाय कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो जब वो इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट है तो वो कौन सी इकोनॉमी हो जाएगी, क्लोज्ड के ओपन, और सेक्टर में कहें तो फोर सेक्टर इकोनॉमी, फोर सेक्टर इकोनॉमी, और नाउ इट इज एवरी इकोनॉमी इज ए ओपन इकोनॉमी, कुछ एक आध है जैसे जहां पर रेस्ट्रिक्शन है, वरना मोस्टली जो इकोनॉमीज हैं वो ओपन इकोनॉमी। इसमें हम ट्रेड पॉलिसीज है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड, एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है ना, एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज विद करेंसी ऑफ, सॉरी, एक्सचेंज रेट बेसिकली क्या है, इट इज द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज विद करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। नेक्स्ट, और जैसे दो तरह का होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक फिक्स, तीन होते हैं, फिक्स, फ्लैक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग। फिक्स्ड होता है जो बिल्कुल फिक्स रहता है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया एक डॉलर का प्राइस इतना है, वो वही रहेगा जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं करेगी। फ्लैक्सिबल में है, या इसको फ्लोटिंग भी बोलते हैं, तो इसमें क्या है कि इट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और थर्ड है मैनेज फ्लोटिंग, जिसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, मींस के ये इट इज द कॉम्बिनेशन और हाइब्रिड ऑफ फ्लैक्सिबल एंड फिक्स, ये फ्लैक्सिबल और फिक्स का हाइब्रिड है, यानी दोनों को मिला के हमने बनाया इसको, और आज के टाइम में ये ज्यादा यूज होती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ क्वालिटी फिक्स की होंगी, कुछ क्वालिटी फ्लेक्सिबल की होगी जो अभी चल रही है, तो अभी बेसिकली ज्यादा चलती है वो मैनेज फ्लोटिंग होती है, मींस के इट इज फ्रीली ट्रेडेड करी जाती है, बट के डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, बट अंडर द कंट्रोल ऑफ सोल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, जैसे मॉनेटरी अथॉरिटी सेंट्रल बैंक है तो इंडिया में आरबीआई है, तो आरबीआई उसको कंट्रोल भी करता है, जैसे अगर कभी आप देखोगे कि अगर डॉलर का प्राइस बहुत ज्यादा हो रहा है तो सेंट्रल बैंक उसके अंदर इंटरवेंशन करते हैं, और उसके जो डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है रुपए में उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमारे लिए इम्पोर्ट बहुत महंगा हो जाता है। एक्सपोर्ट के केस में फायदा है कि भाई हम 10, लेकिन उसमें भी नुकसान होता है कि चीजें महंगी हो जाती है, नहीं, अगर डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो फॉरनर्स के लिए चीजें सस्ती हो जाती है, एक्सपोर्ट के लिए फायदा है लेकिन इंपोर्ट के लिए नुकसान हो जाता है जब डॉलर का प्राइस रुपए में बढ़ जाता है, यानी कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है, जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, तो उस केस में क्या है? क्योंकि डॉलर महंगा हो रहा है, तो एक डॉलर पहले 60 का था, अब 70 का हो गया, तो एक्सपोर्ट करने उनके लिए हमारी चीजें सस्ती हो जाती है, लेकिन हमारे लिए विदेशी चीजें महंगी हो जाती है, तो कुछ हर एक चीज के कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है, तो एक कंट्रोल सिचुएशन में रहना चाहिए, तो वो जो कंट्रोल करते हैं वो सेंट्रल बैंक करते हैं, इसलिए अब हम कौन सी अडॉप्ट करते हैं, ज्यादातर मैनेज फ्लोटिंग, बेसिकली इट इज द हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट हो जाएगा फिर इसमें, बिफोर 1950 टू चाणक्य नंदवंश, ठीक है, ओसीईडी पेपर, ठीक है, और इस तरीके से 1950 टू 1991, और जो सबसे ज्यादा इंडियन इकोनॉमी में चेंज आया
सॉरी, वो ड्यू टू चेंज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसने हमारी इंडियन इकोनॉमी का पूरा सिनेरियो बदल दिया था, है ना। एलपीजी पॉलिसी आपने पढ़ी होगी, 12th क्लास के अंदर थर्ड चैप्टर है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, है ना। तो उसके अंदर क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, और इसके अंदर जो है एलपीजी थ्री पॉलिसीज आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, के गवर्नमेंट ने क्या करा, अगर लिबर्टी दी फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमी। पहले क्या होता था, एमआरटीपी एक्ट था, वो गवर्नमेंट ने हटा दिया, ठीक। तो लिबर्टी दी, रिमूवल ऑफ द रेस्ट्रिक्शन, ट्रेड लाइसेंस, परमिशन, कोटा बहुत कम कर दिए ताकि ट्रेड बढ़े। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ओपनिंग देर आर नंबर्स ऑफ एवेन्यूज विच वॉज प्रायर ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर, नाउ दीज ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिविल एविएशन। पहले सिर्फ ये गवर्नमेंट सेक्टर में था, इसके बाद ही तो एलपीजी पॉलिसी के बाद ही प्राइवेट सेक्टर में आया है। और ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन करना। तो ये हमारा है कुछ मेन मेन, ठीक है। सारे हमारे कंटेंट वी डिस्कस, एंड नाउ देखो, फर्स्ट जैसे फर्स्ट वी डिस्कस जैसे व्हाट इज, इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स बेसिकली, जैसे अभी हमने करा भी था कि इकोनॉमिक्स क्या है हमारा, इकोनॉमिक्स बेसिकली है, इट इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, और कई और भी साइंस कहते हैं कुछ, इसको सोशल साइंस भी कहते हैं, कि इट इज द सोशल साइंस विच स्टडी द मैन काइंड और बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, के ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, विद दिस लिमिटेड रिसोर्सेज हाउ वी कैन फुलफिल द वॉन्ट ऑफ पीपल। एक मिनट, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच डील्स विद वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है जो किससे डील करती है, वेल्थ से, विच डील्स विद वेल्थ। या सम इकोनॉमिक्स इज, इट इज ऑल्सो सोशल साइंस ऑल्सो, कि विच स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, कि ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, बिकॉज ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, और विद दिस अनलिमिटेड वॉन्ट्स With this unlimited want, we fulfill our limited. With this limited resources, we fulfill our unlimited want. तो सारी तो इच्छाएं हम पूरी नहीं कर सकते, तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू सेलेक्ट, कि हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि विच वॉन्ट वी फुलफिल फर्स्ट एंड विच देयर आफ्टर। यही है पूरा, कि हम अपने रिसोर्स को किस तरीके से यूज करें जिससे ज्यादा लोगों की मैक्सिमम नीड ऑफ द इकॉनमी फुलफिल हो। नीड और वॉन्ट में फर्क होता है, क्योंकि कुछ जो हमारी वॉन्ट बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वो फिर हमारी बेसिक नीड बन जाती है, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ। पहले तीन बेसिक नीड होती थी, कोर नीड, फूड, अभी भी वही है कोर बेसिक, पहले तीन मानते थे लेकिन अब पांच कर दी, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, लेकिन अब जो है उसमें हमारी पांच हो गई है। कौन कौन सी है, फाइव, तीन तो यही है, अब एजुकेशन और हेल्थ भी आ गया। कौन कौन सी आ गई, एजुकेशन और हेल्थ आ गया।
ठीक है। तो अब इसमें देखो हमें दो टाइप्स के इकोनॉमिक्स पढ़ना है, एक है देखो फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड पढ़ेंगे मैक्रो, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो देखो एम और क्रो सेम है, बोथ हैज एम और क्रो सेम, दोनों में क्या है एम और क्रो सेम है। इसमें देखो एम स्टैंड फॉर, आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल और ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट। आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, और ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट और एवरेज। ठीक है, तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन विच वी स्टडी ओनली द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, जिसके अंदर हम केवल एक इकोनॉमी का पार्ट का स्टडी करते हैं इंडिविजुअल, लाइक जैसे डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन, मार्केट, तो ये सारा क्या है माइक्रो है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन विच वी स्टडी ओनली द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, वो इन विच वी स्टडी द इकोनॉमी एज ए होल और टोटली, जिसके अंदर हम पूरी इकोनॉमी का स्टडी करते हैं वो मैक्रो है। तो माइक्रो इज ए नैरोवर कॉन्सेप्ट एंड मैक्रो इज ए ब्रॉडर या वाइडर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन विच वी स्टडी ओनली द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन विच वी स्टडी इकोनॉमी एज ए होल और टोटली, जिसके अंदर हम पूरी इकोनॉमी का स्टडी करते हैं, ठीक। और माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए नैरोवर कॉन्सेप्ट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है एक नैरोवर कॉन्सेप्ट है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। और माइक्रो में देखो माइक्रो का अदर नेम क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सॉरी द अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थ्योरी, बिकॉज इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स वी फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि कैसे हम किसी कॉमोडिटी का इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइंड करते हैं, है ना, मार्केट फोर्सेस के थ्रू, वेयर द डिमांड एंड सप्लाई जैसे इस तरीके से करते हैं कि जहां पर ये इक्विलिब्रियम आ जाना है तो इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया एंड दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, है ना, तो इस तरीके से डिटरमाइंड होता है हमारा। तो इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, किसको, माइक्रो इकोनॉमिक्स को। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं मैक्रो में, क्यों, बिकॉज इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स वी फाइंड हाउ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइंड, कि कैसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइंड होता है, ठीक। अब देखो जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नेक्स्ट इज व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस है ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस टू फुलफिल ह्यूमन वांट, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, कि हमें अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो हमारे रिसोर्स हैं वो लिमिटेड है, तो उसमें से हम कैसे उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, उसका सिलेक्शन करना, चॉइस प्रॉब्लम इज नोन एज बेसिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एंड दिस प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी, क्योंकि ज्यादातर होता है कि रिसोर्सेस किसी भी इकोनॉमी एकदम अनलिमिटेड नहीं होते, कुछ हैं कुछ लिमिटेड होंगे। अब जैसे कहीं पे पेट्रोल बहुत ज्यादा है, क्रूड ऑयल, लेकिन वहां पे पानी ही नहीं है,
तो फिर उनको भी वो भी चीजें पूरी करनी है। तो सारी चीजें कभी नहीं होती और लिमिटेड रिसोर्स होता है वहां हर एक इकोनॉमी में। तो कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इनके कॉजेज क्या है? कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो क्या क्या कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? पहला होता है कि द फर्स्ट कॉज है ह्यूमन वॉन्ट्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड। फर्स्ट क्या है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कि हमारे जो रिसोर्स हैं वो क्या है? लिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड होते तो प्रॉब्लम नहीं होती, बट रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। जैसे इन आर होम वी सी के जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन सेकेंड के ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। सेकेंड क्या है? ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। और एक चीज और है कि एज वन वॉन्ट इज सेटिस्फाइड मेनी अदर क्रोप अप, एंड द वॉन्ट ह्यूमन वॉन्ट्स आर गोज एंडलेसली, अंत तक चलती रहती है। जब तक हम जिंदा हैं हमारी इच्छाएं चलती रहेंगी, कभी बंद नहीं होगी, है ना। और एक ये भी है कि अगर एक इच्छा पूरी होती तो और नई ये सारी खड़ी हो जाती हैं। अब सारी इच्छाएं तो हम पूरी नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि हमारी एक चीज और क्वालिटी होती है हमारी वॉन्ट्स में, कि जो इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट्स है वो डिफरेंट होता है। कुछ हमारी इच्छाएं बहुत जरूरी होती हैं और कुछ इच्छाएं जो होती हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले हम किसको पूरा करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वही फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, फिर हम आगे लग्जरी वगैरह पे जाते हैं। इसी तरीके से इकॉनमी में है कि इकॉनमी पहले कि ये चाहती है कि जो बेसिक नीड है वो पूरी हो सके लोगों को, भाई जैसे फूड मिले, क्लोथिंग मिले, शेल्टर मिले, एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले, उसके बाद और जो लग्जरीज है वो भी अवेलेबल। तो इस तरीके से तो हम पहले अपनी, अगर हमारी सभी इच्छाएं एक बराबर होती तो हम कभी भी कोई बहुत मुश्किल हो जाता सिलेक्शन करना। तो इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट अलग अलग होती, इच्छाओं की जो मतलब इंटेंसिटी है, कुछ ज्यादा जरूरी है कुछ कम है, तो जो ज्यादा जरूरी है हम उसको पहले फुलफिल करते हैं और जो कम जरूरी है उसको बाद में। और तीसरा कारण होता है रिसोर्सेज, ऑल्टरनेटिव यूजेस के। रिसोर्सेज के क्या हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, कि नंबर ऑफ यूजेस हैं हमारे। जैसे अभी हमने किया भी था कि पीस ऑफ लैंड है, उसके कई सारे यूज हैं। तो अगर पेट्रोल है, जैसे अब पेट्रोल है, पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा एग्जाम्पल है कि इलेक्ट्रिसिटी देखो फॉर रनिंग रेलवे, अब तो गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक गाड़ी आने लगी, ठीक है ना। हमें होम अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी चाहिए, रेसिडेंशियल के लिए भी चाहिए, इंडस्ट्रियल के लिए भी चाहिए और एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए। अगर हम उसको एक पर्पस के यूज करते हैं तो इट इज नॉट अवेलेबल फॉर अनदर पर्पस। ड्यू टू दिस द रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज बिकम मोर स्केयर्स, उनकी और ज्यादा कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कुछ। अब देखो नेक्स्ट जो हल्का सा स्टार्ट करते हैं हम, वो है जैसे डिमांड टॉपिक, कि व्हाट इज डिमांड, डिमांड क्या होता है, किसे कहते हैं, क्या होता है डिमांड। देखो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी विच कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि डिमांड क्या है? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी विच कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि डिमांड किसी कॉमोडिटी की वो क्वांटिटी होती है जिसे एक कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्राइस और टाइम पीरियड में खरीदने के लिए रेडी रहता है। तो डिमांड में क्या क्या है? क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, टाइम पीरियड और विलिंगनेस टू बाय, एबिलिटी एंड विलिंग टू बाय। तो डिमांड रेफर्स
टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि डिमांड किसी कॉमोडिटी की वो क्वांटिटी होती है जिसे एक कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्राइस और टाइम में खरीदने के लिए रेडी रहता है। ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी। कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी कॉमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट करते हैं, कि कब डिमांड ज्यादा होगी कब कम होगी, किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि कब कहेंगे हम डिमांड किसी कॉमोडिटी की ज्यादा है कब कम है, तो किन बातों पर डिपेंड करता है। बेसिकली सबसे पहले आता है कौन सा फैक्टर है जो डिमांड को इफेक्ट करता है, प्राइस। वेरी गुड, यानी कि फर्स्ट है प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इट्सेल्फ, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इट्सेल्फ, कि कॉमोडिटी का अपना प्राइस, कॉमोडिटी का अपना प्राइस कैसे डिमांड को इफेक्ट करता है। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दैट मीन्स प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, कीपिंग वो लॉ में आता। ठीक है, तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स डिमांड राइज। सेकंड कौन सा फैक्टर है, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या है, देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ वन अनदर, जो एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं, जैसे पेप्सी कोक टी एंड कॉफी। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड में इफ द प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी राइजेज डिमांड फॉर अनदर ऑल्सो राइज है। जैसे अगर आज पेप्सी का प्राइस बढ़ जाए तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, पेप्सी का प्राइस कम हो जाए तो कोक की डिमांड कम हो जाएगी। दैट मीन्स देर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी एंड डिमांड फॉर इट्स रिलेटेड इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। कि सब्स्टिट्यूट गुड में एक का प्राइस और दूसरे की डिमांड में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। फिर नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच फुलफिल ह्यूमन वॉन्ट्स टूगेदर, जो हमारी किसी इच्छा को मिलकर पूरा करते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल, पेन एंड पेपर। ठीक है ना, इस तरीके से। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड आर दोज गुड्स विच फुलफिल ह्यूमन वॉन्ट टूगेदर, यानी सिंगल कॉमोडिटी हैज नो यूटिलिटी, सिंगल कॉमोडिटी की कोई यूटिलिटी नहीं है, जब मिलेंगे दोनों तभी उनकी यूटिलिटी बनेगी, वरना बेकार है। अब कार है पेट्रोल नहीं डला हुआ, कोई फायदा ही नहीं है। या अब सीएनजी आ गई भाई, जैसे अब इलेक्ट्रिक आ गई, अब तो नई नई एडवांसमेंट आता है, अब इलेक्ट्रिक कार आ गई तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि अगर चार्ज नहीं होगी इलेक्ट्रिक नहीं होगी तो फिर वो फायदा ही नहीं गाड़ी का। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड में इफ द प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी राइजेज द डिमांड फॉर इट्स रिलेटेड फॉल्स। जैसे अगर आज कार की कीमत बढ़ जाए बहुत ज्यादा तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, और कार की कीमत कम हो तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। दैट मीन्स देयर इज एन
इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी एंड डिमांड फॉर अनदर इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट इज थर्ड, इज थर्ड पॉइंट कौन सा है? इनकम ऑफ कंज्यूमर, है ना। इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड और द कॉमोडिटी, देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमोडिटी डिमांड इफेक्ट जर्नली। एक होता है नॉर्मल गुड, और एक इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स या जो जनरली हम जिनके कहते हैं क्वालिटी गुड हैं, आर दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड फॉल्स विद फॉल इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। कि नॉर्मल गुड वो गुड होते हैं जिनकी डिमांड इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी, इनकम ऑफ कंज्यूमर कम होगा तो डिमांड फॉर दीज गुड्स ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट इंफीरियर, जैसे फॉर एग्जाम्पल फुल क्रीम मिल्क पर बासमती राइस, तो इनमें क्या है, इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ेगा तो डिमांड इनकी बढ़ जाएगी, और इनकम ऑफ कंज्यूमर कम होगा तो इनकी डिमांड ज्यादा रही है। गुड क्वालिटी गुड भी लिख सकते हैं हम इनको, कि जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है तो इनकम बढ़ेगी तो इन कॉमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड कम होगी तो डिमांड फॉर नॉर्मल कम हो जाएगा। इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड फॉल्स विद राइज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड राइजेज with fall in income of consumer. That means there is an inverse relationship between the income of consumer and demand for inferior. कि inferior good में क्या है, इनकी demand जो है वो कम हो जाती है अगर income of consumer बढ़े, और income of consumer कम होगा तो इन commodity की demand बढ़ जाती है। उल्टा relation है, income of consumer and demand for inferior has inverse relation. और नॉर्मल या गुड क्वालिटी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे टोंड मिल्क, परमल राइस, टोंड मिल्क जानते हैं ना, जो एक तो फुल क्रीम और एक टोंड, एक उससे भी घटिया आता है और डबल टोंड भी आता है, वो ज्यादातर वो लोग यूज करते हैं जो हार्ट पेशेंट ज्यादा होते हैं, उसमें क्रीम बिल्कुल जीरो, फैट जीरो हो जाता है बिल्कुल। तो इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड राइजेज विद डिक्रीज इन इनकम ऑफ, इनवर्स रिलेशन है इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, इफ द कंज्यूमर हैज स्पेशल टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कि कंज्यूमर की स्पेशल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो उसकी डिमांड जो है वो ज्यादा होगी। इफ कंज्यूमर हैज स्पेशल टेस्ट एंड प्रेफरेंस इन द कॉमोडिटी द डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी वुड बी हाई, तो उन कॉमोडिटी की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर कंज्यूमर का स्पेशल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। जैसे टाटा सॉल्ट है ना, तो कंज्यूमर है स्पेशल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर हम नमक बोलते हैं तो जर्नली हमें वो टाटा सॉल्ट ही देता है, उसे भी पता कि कंज्यूमर वही खरीदेगा, और भी कंपनीज के आते हैं भाई, लेकिन उनके सॉल्ट इतने नहीं चलते जितना टाटा सॉल्ट चलता है। जैसे टी में टाटा टी ज्यादा चलती है, तो द कंज्यूमर हैज स्पेशल टेस्ट एंड प्रेफरेंस इन द कॉमोडिटी द डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी वुड बी हाई, नो स्पेशल टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिमांड वुड बी लो। अगर ज्यादा है कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो डिमांड भी ज्यादा होगी, और अगर कोई स्पेशल टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं है तो डिमांड जो है वो कम हो जाए। नेक्स्ट फैशन है, फैशन कि अगर कोई कॉमोडिटी इन द फैशन तो क्या होता है, उसकी डिमांड ज्यादा होगी, और आउट ऑफ फैशन हो जाए तो डिमांड गिर जाती है। नेक्स्ट वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट आल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी। If the consumer has, sorry, if weather and climate also affect the demand of the commodity. जैसे अब summer season है तो demand for ice cream, cold drink would be high, ठीक है,
और डिमांड फॉर टी और कॉफी कम हो जाएगी, वेदर एंड क्लाइमेट. अगर फेवरेबल चेंज है इन द वेदर एंड क्लाइमेट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी हाई, अनफेवरेबल चेंज हो गया तो कम हो जाएगी. अब जैसे रेनी सीजन आएगा तो डिमांड फॉर रेन कोट अम्ब्रेला हाई हो जाती है. अब इन दिनों जैसे गर्मी आ गई तो एसी फ्रिज है ना और आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक इनकी डिमांड बहुत पीक पे जाएगी. क्यों? कूलर है. अब गर्मी इतनी होगी तो धीरे धीरे डिमांड बढ़ती, तो फेवरेबल चेंज हो रहा है. और अगर अब सर्दियां आती हैं तो इनकी डिमांड कम हो जाती है. तो दैट मीन्स वेदर एंड क्लाइमेट ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी. तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द कमोडिटी. ये वो फैक्टर और भी हैं जैसे कुछ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होता है. अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी हाई हो जाएगी. भाई अगर कंज्यूमर को एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है किसी कमोडिटी का, तो वो क्या करेगा? सोचेगा बाद में खरीदने से अच्छा अभी खरीद लो. तो डिमांड रिसेंटली हाई हो जाती है. और इफ देयर इज ए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन प्राइस, तो क्या है कि उनको पता है कि डिमांड की प्राइस कमोडिटी का प्राइस कम होने वाला है, तो वो सोचेंगे जब कम होगा तभी खरीदेंगे, तो करंटली डिमांड गिर जाती है. तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द कमोडिटी. अब नेक्स्ट देख, क्लियर ऑल दिस पॉइंट? क्लियर है? नेक्स्ट इज, नेक्स्ट देखो जो टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड. तो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड देखो क्या कहता है. लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर फैक्टर बींग कॉन्स्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड क्वान्टिटी डिमांडेड. प्राइस राइजेज डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेज, कीपिंग अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, कीपिंग अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट. कि अदर फैक्टर हम अगर कॉन्स्टेंट रहते हैं. क्लियर दिस पॉइंट? फिर देखो नेक्स्ट इसमें आता है जैसे डिमांड शेड्यूल. व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल रेफर्स, इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन ए टेबुलर फॉर्म. डिमांड शेड्यूल क्या है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन ए टेबुलर फॉर्म, या इट इज ए टेबुलर स्टेटमेंट विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड. या डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट विच शोज डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस लेवल. कि एक टेबल की फॉर्म में ये स्टेटमेंट है जो अलग अलग कीमतों पर अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड शो करता है. जैसे देखो अगर हम एक शेड्यूल बनाए, सपोज देखो जैसे प्राइस पर यूनिट क्वांटिटी डिमांडेड, सपोज प्राइस 10 डिमांड 100, प्राइस हो गया 15, या ठीक है तो डिमांड हो जाएगी 50, क्योंकि प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएगी. और अगर प्राइस कम हो, सपोज एक और बना ले जैसे अगर प्राइस 10 डिमांड 100, प्राइस 5 डिमांड 150. तो डिमांड शेड्यूल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन ए टेबुलर फॉर्म. फिर ऐसे ही आता है नेक्स्ट डिमांड कर्व. नेक्स्ट इज डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड. के डिमांड कर्व क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है जो प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन बताता है. ठीक है, या इट शो दैट
इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शो द डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस लेवल. जैसे सपोज हियर वी राइट प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, जैसे प्राइस है सपोज 5, 10, 15, प्राइस डिमांड 50, 100, 150, प्राइस 10 डिमांड 100. सपोज प्राइस फॉल्स, प्राइस फॉल्स फ्रॉम 10 to 5, डिमांड राइजेस. और अगर प्राइस राइज हो गया 10 to 15, तो डिमांड क्या होगी, वो फॉल्स हो जाएगी. तो ये ऐसे हमारा डिमांड कर्व बन जाता है. जैसे तो दिस इज द डिमांड कर्व विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कि प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन शो करता है ग्राफिकली. अब व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व, व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व. हाँ, वेरी गुड. इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और नेगेटिवली स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट से राइट की तरफ नीचे की ओर. ऐसे ये जो हमारा बना हुआ है इसमें ऐसे ऊपर से नीचे की ओर गिरता जाता है. तो डिमांड कर्व कैसा होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है. एक इसमें लास्ट टॉपिक करते हैं, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड की क्या एजम्पशन है. लॉ ऑफ डिमांड, देखो लॉ ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन सम एजम्पशन. इन द लॉ ऑफ डिमांड वी यूज अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट, कि लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या यूज करते हैं, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, व्हिच मींस द फैक्टर्स अदर देन द प्राइस लाइक इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एटसेट्रा रिमेन कॉन्स्टेंट ओनली द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. इसमें कि लॉ ऑफ डिमांड में वी यूज एजम्पशन, इन द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड वी यूज फ्रेज अदर फैक्टर बीइंग कॉन्स्टेंट विच इज द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, विच मीन्स द फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, कि प्राइस के अलावा जो भी कोई फैक्टर है वो जो है वो कांस्टेंट रहेंगे. सिर्फ किसमें चेंज आएगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी में. लाइक जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, वेदर एंड क्लाइमेट एटसेट्रा रिमेन कांस्टेंट ओनली द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. सो दिस इज द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है ना. तो टुडे वी डिस्कस इन द क्लास के फर्स्ट वी डिस्कस, तो देखो हमने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था कि व्हाट इज द सिलेबस, कि हमारे पास माइक्रो इकोनॉमी है, इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमी है, ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी भी है. माइक्रो इकोनॉमी मींस द इकोनॉमी विद डील्स विद इंडिविजुअल लेवल, स्मॉल स्केल पे होता है, इट इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट. मैक्रो में क्या है, इट इज द इकोनॉमी, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इन विच वी स्टडी इकोनॉमी एज ए होल, जिसके अंदर हम पूरी इकोनॉमी का स्टडी करते हैं, इट इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. और इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी कौन सी है. देखो थ्री तरह टाइप्स की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स. तो इंडियन कौन सी है, मिक्स्ड इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, वेरी गुड, जहां पे प्राइवेट सेक्टर ज्यादा होता है, मतलब इट इज द इकोनॉमी इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन प्राइवेटली. जितनी भी आप डेवलप्ड कंट्री देखोगे वहां पे कौन सी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है. डेवलप अमेरिका है, अमेरिका है, जर्मन है, जापान है, वहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ज्यादा है. सोशलिस्ट इकोनॉमी द इकोनॉमी इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट.
और मिक्स्ड इकोनॉमी द इकोनॉमी इन विच बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्क टुगेदर। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो कौन सी है, वो बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी करता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर अगर हम देखें, सपोज कम्युनिकेशन में, जैसे गवर्नमेंट कंपनी है BSNL है, MTNL है, और प्राइवेट है, बाकी प्राइवेट है जैसे एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, तो ये क्या है, प्राइवेट कंपनी है। ऐसी स्कूल गवर्नमेंट भी है, हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों है। तो जो इंडियन इकोनॉमी है वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, और फीचर्स वगैरह हैं जैसे, तो जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारी जो है इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है इसमें हमें, तो ये हमारा सिलेबस हमने आज डिस्कस किया था अपना, और थोड़ा सा जो है हमने अपने जो हमारा चैप्टर है जैसे डिमांड और माइक्रो एक मैक्रो इकोनॉमी क्या है उसके बारे में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट फर्दर टॉपिक्स। ओके।